गाइज, अगर आप 15 दिन में अपने लटके हुए पेट को अंदर करना चाहते हैं बिना ज्यादा हार्ड वर्कआउट करे, तो बस मेरी आज की बताई हुई एक्सरसाइजेस फॉलो कर लीजिए। बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, बल्कि घर पे छोटा सा स्पेस चाहिए। जितना आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ इतना आपको स्पेस चाहिए। दूसरी चीज, आपको उसके लिए कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। तीसरी चीज, आपको उसके लिए कोई मैट या कोई अच्छी दरी चाहिए जिससे आपकी किसी बोन्स में इंजरी ना हो और आप अच्छे से आसानी से एक्सरसाइज कर सकें। और इसका रिजल्ट इतना ज्यादा बेहतरीन होगा कि 15 डेज में आपको आपके पेट के अंदर विजिबल रिजल्ट दिखेगा कि आपका पहले पेट बहुत ज्यादा लटका हुआ था, वो एकदम से आपको टाइट और टोन लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दे देती हूँ जो आपको इसके साथ फॉलो करनी है। इन बिटवीन यानी 15 दिन आपको कुछ भी मीठा नहीं खाना, एक चम्मच चीनी भी आपने इंटेक नहीं करनी। चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ऐसे ही पीजिए। चॉकलेट टॉफी तक नहीं आपको खानी है, कोई मीठा बिस्किट तक आपको नहीं खाना है। इतनी डाइट पे आप कंट्रोल करें, सिर्फ मीठे को कट ऑफ करें। और जितने रैप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, सेम आपको उतने ही रैप्स मुझे फॉलो करने हैं, और फिर देखें इसका कितना ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपके बेली फैट पर आने वाला है। और अपना एक्सपीरियंस जरूर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। इसके साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा अकाउंट है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1, go। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको हैंड को मैट पे इस तरीके से प्लेस करना है और अपनी वन लेग से अदर साइड पे जाना है, ठीक है। ऐसा करने में स्टार्टिंग में आपका बैलेंस आउट होगा, बट आप धीरे धीरे जब इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसकी हैबिट हो जाएगी और आप इसको बहुत परफेक्टली कर पाएंगे। ऐसा करने से आपका लोअर टमी और अपर टमी बहुत अच्छे से फ्लैटन होता है। आपको करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 4 सेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह से हैंड को मैट पे प्लेस कर लीजिए और अपनी एड़ियों पर आ जाइए, ठीक है। उसके बाद में आपने वन लेग को अप करना है जितना आप ऊपर कर सकते हैं, देन उसके बाद डाउन, ऐसे ही सेम अदर लेग को। वन बाय वन आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है, 20 टाइम्स आपने इसको ऐसे करना है, देन इसके करने हैं 4 सेट। ऐसा करने से जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो ये आपको बहुत टफ लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन डेफिनेटली मैं चैलेंज करती हूँ कि आपके बेली एरिया को बहुत जल्दी फ्लैटन करके टोन अप करेगा। Rest time. नेक्स्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप इस तरीके से हैंड को मैट पे प्लेस करें और अपनी लेग्स को आपने इस तरीके से ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद टोज को आपने मैट पे सटा के रखना है। आपने बेबी स्टेप से अपने पैरों को साइड टू साइड लेके जाना है, ऐसे ही आपने अपने हैंड से अपनी बॉडी को साइड टू साइड लेके जाना है। इसमें आपके हैंड मूवमेंट होगी और आपकी लेग्स मूवमेंट होगी। ऐसा करने से आपकी आर्म्स बहुत अच्छे से टोन होंगी, आपके टमी बहुत अच्छे से टोन होगा, और इसको करना है आपने 20 टाइम्स और साथ में इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। अगर आपके पास इससे ज्यादा बड़ा एरिया है तो उससे ज्यादा भी आप इस तरह से वॉक कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है आपके टमी को फ्लैटन करने के लिए। रेस्ट टाइम। नेक्स्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, अपने हैंड से अपने बॉडी को आगे लेकर जाना है, देन उसके बाद बेबी स्टेप्स के साथ ही अपनी बॉडी को वापस से बैक लेके जाना है। अपने हैंड से पहले अपनी बॉडी को आप पूरा आगे लेकर जाएंगे, देन फिर धीरे धीरे पीछे लेकर जाएंगे। ऐसा आपने 20 टाइम्स करना है और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। ऐसा करने से ये आपकी आर्म्स को भी टोन करेगा। सेकेंडरी मसल आपकी आर्म रहेगी, लेकिन प्राइमरी मसल आपकी टमी रहेगी, तो इससे आपका टमी बहुत अच्छे से फ्लैटन हो जाएगा। 20 टाइम्स करना है और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। रेस्ट टाइम। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको वन हैंड को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है, ठीक है, और उसके बाद में आपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखना है। एक लेग के फीट के आगे अपने दूसरा लेग को सपोर्ट देना है। आपने अपनी वेस्ट को पूरा उठाकर रखना है, देन अपनी वन आर्म को आपने ऊपर रखना है, देन उसके बाद उसको डाउन लेके जाना है। जब डाउन लेके जाएंगे तो आपकी कमर ट्विस्ट होगी और ये ट्विस्ट आपके साइड के टायर्स को एकदम से गायब करेगा, टमी को टोन करेगा, आपकी कमर को बहुत अच्छा शेप देगा। इसको करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स।
तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। गाइस, तो आपको कैसी लगी आज की मेरी बेहतरीन एक्सरसाइज? मजा आया ना कर? अभी तो और मजा आने वाला है, जब रात को सोओगे ना या नेक्स्ट डे जब उठोगे तो आपके टमी एरिया पे पेन भी होगा, क्योंकि आपने रैप्स अगर अच्छे से करें तो डेफिनेटली आपको ये पेन होगा, लेकिन ये पेन बहुत पॉजिटिव वाला पेन है, तो प्लीज इसको फील करो और इससे अपने आप को मोटिवेट करो कि हाँ, अब मेरा बेली बिल्कुल स्क्वीज होने वाला है और मैं कोई भी ड्रेस आराम से पहन सकती हूँ, अपने टमी को फ्लॉन्ट कर सकती हूँ। तो ऐसी हमेशा खुश रहें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, पानी ज्यादा पिएं, हेल्दी डाइट इनटेक करें, जंक फूड में कुछ नहीं रखा, सिर्फ जीभ का स्वाद है जो आपके बॉडी को फुलाता है, तो उसको छोड़ दो यार, ऐसी क्या फायदा ऐसे खाने का जो आपके शरीर को खराब कर दे, बीमारियों से भर दे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, गुड बेबीज की तरह सारी एक्सरसाइज करना और ऐसे खूब सारा प्यार ईशा मेहरा को देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।